तहसील राघोगढ़ के सीपुरा ग्राम वासियों को नहीं मिल पा रही है भरपूर बिजली। जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक जयवर्धन सिंह के इलाके में लाइट से तकरीबन 15 से 20 घर वंचित हैं और कई बार सीपुरा ग्राम वासियों ने सेक्रेटरी, सरपंच और विद्युत मंडल को ज्ञापन दिया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक जयवर्धन सिंह के इलाके में हो रहे लाइट से तकरीबन 15 से 20 घर वंचित हैं और 15 दिन से लगातार राघोगढ़ के सीपुरा ग्राम वासियों को लाइट से दूर रखा गया है। तो राघोगढ़ विद्युत मंडल में नहीं होती सीपुरा ग्राम वासियों को सुनवाई, क्योंकि कई बार ग्रामवासी सरपंच और सेक्रेटरी एवं विद्युत मंडल को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और इस तरीके से उनको सिर्फ भरोसा दिया जाता है, लेकिन आज तक लाइट जो है कि कभी कभार 15 से 20 घर जो है लगातार वंचित हैं। और आप सोचिए कि ऐसी भारी गर्मी में निकालते हैं दिन रात, मिलती है थोड़ी बहुत लाइट, करीबन 15 से 20 घरों को नहीं पहुंचा पा रहे विद्युत मंडल के कर्मचारी लाइट। तो आपको बता दें, विधायक जयवर्धन सिंह का राघोगढ़ क्षेत्र है और उसी में एक गांव को विद्युत मंडल के कर्मचारी लाइट नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तहसील राघोगढ़ के सीपुरा ग्राम वासियों को नहीं मिल पा रही है भरपूर बिजली। जिस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक जयवर्धन सिंह के इलाके में लाइट से तकरीबन 15 से 20 घर वंचित हैं और कई बार सीपुरा ग्राम वासियों ने सेक्रेटरी, सरपंच और विद्युत मंडल को ज्ञापन दिया है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक जयवर्धन सिंह के इलाके में हो रहे लाइट से तकरीबन 15 से 20 घर वंचित हैं और 15 दिन से लगातार राघोगढ़ के सीपुरा ग्राम वासियों को लाइट से